हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई सभी के। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, मैं सो के उठा हूँ, सॉरी। और कुछ नहीं, बस खुद अपने रजाई से उठा और जाके मम्मी के रजाई में घुस गया भाई। सर्दी लग रही थी थोड़ी, तो क्या करूँ। और सुबह के बज चुके हैं 9:30 बजे हुए हैं। और क्या कहते हैं, देखिए कल मैंने कपड़े धुल के डाले हुए थे, पीछे कपड़े धुले हुए पड़े हुए हैं, सूख रहे हैं अभी भी। ये रजाई जो है बहुत ही मोटी हो गई है, तो अभी आज धूप लगेगी तो सूखेगी, अभी सूखी नहीं है। बाकी कपड़े तो सब सूख गए हैं, पर कुछ तो नहीं। और पापा मेरे जा चुके हैं काम करो काम पे, तो पापा निकल चुके हैं, मेरे सामने ही निकले थे जब मैं सो के उठा था, तो जा चुके थे। उनका उनके लड़के आ गए थे काम के लिए, तो उनको लेके काम कराने चले गए। और कुछ नहीं, बस हो रहा है। और पापा पता नहीं, पापा चले गए उसके भाई, इनका रिक्शे वालों का पता नहीं है जो रिक्शा चलाता है। और मम्मी डॉक्टरी की टहल रही है, मम्मी उधर उनका काम चल रहा है, झाड़ू लग रहा है, बर्तन धुल रहे हैं, सब चल रहा है। और मैं सोच रहा था कि आज कहीं जाया जाए, मगर कहाँ जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो ये रिक्शे वाले आए, पहले सोचा था कि ये रिक्शे वाले भैया नहीं आए हैं तो हम ही जाएँ। बाला ये रिक्शा चलाता है, जो बाला है, काफ़ी छोटे थे जब ना, पहले तो हम लोग साथ में पढ़ते थे स्कूल में, तो उसने छोटे से पढ़ाई छोड़ दी थी और वो फिर यही काम करने लगा कोई भी, तो आज वो आया नहीं। अब रिक्शा चलाता है तो आज आया ही नहीं है उसका, तो ही पता नहीं, फ़ोन मिला रहे, फ़ोन उठा ही नहीं रहा भाई, क्या बताया जाए। आज मैंने सोचा है कहीं चले, मम्मी टहल रही है, ये देखिए उनका काम चल रहा है। और अभी बस मम्मी ने कहा पैसे ले लो, तो नानी कहे ब्रेड रेड ले आओ, अभी नानी को ब्रेड रेड लाना पड़ेगा और टोस्ट वगैरह लाऊंगा। देखो वो देखिए अंगड़ाई अभी ले रही है, मैं अभी ले रहा हूँ वो भी अंगड़ाई ले रही है, देखा मेरी नकल कर रही है। तो जा रहा हूँ बस ब्रश रेस कर लूँ, ब्रश रेस करने के बाद फिर उसके बाद आज मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ तो अपने फ्रेंड की दुकान चला जाऊँ, सेविंग वेविंग करवा लूँ जाके। देखे जाता हूँ तो फिर मिलवाता हूँ, नहीं तो फिर घर ही में रहूँगा और यहीं टहलूँगा, क्योंकि घर से बाहर तो कहीं जाते ही नहीं हूँ मैं। कल गया था, आज तो घर ही पे बीतेगा, तो इसीलिए। और मम्मी चली गई अंदर, और आपको दिखाते हैं, आइए ये। और ये देखिए नानी है मेरी, गुड मॉर्निंग सुबह के। ये देखिए नानी, 9 बजे है, गुड मॉर्निंग कर रही। तो देखा आप इन्हीं के पास, अभी मैं लेटा हुआ था उनसे बातें कर रहा था, मम्मी ने कहा जाओ ब्रेड ले आओ, और तो जा रहा हूँ, देखिए पैसे से लूँ, पहले जाके ब्रश करूँ फिर दो ब्रेड रेड लाते हैं, तो मिलते हैं आपसे। ओके दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं फाइनली मैं दूध और ब्रेड ला चुका हूँ नानी के लिए, और मैं तो चाय पी चुका हूँ पहले, क्योंकि मैं बिना कुल्लाई करे सुबह चाय पी लेता हूँ, मम्मी मुझे चाय दे देती हैं, और इनका भी काम नहीं ख़त्म हो पा रहा है, करी मैं नहाना है नहाना, मगर इनका काम नहीं ख़त्म हो पा रहा है, कहीं जल्दी कर लो, आप ना जल्दी करेंगे नहीं हमसे, कहीं 1 बजे तक जल्दी कर लो। और ये बनेगी अब नानी के लिए चाय, और नानी खाएंगी ब्रेड, उसमें हम लोग भी गर्मा के खाएंगे ब्रेड, और जा रहे हैं अब नानी को देने। नानी नहीं अभी सो के उठ पाई हैं, और नानी जहाँ की वहीं लेटी हुई हैं, ये देखिए, तो ये नहीं सो के उठ पाई हैं, उठ रहा है भाई, ये अभी वैसे ही देखिए लेटी हुई हैं, इनको देखिए आप, इनकी नींद नहीं खुल रही है रात के 1 बजे तक, ये देखिए ये रात के 1 बजे तक ऐसे ही जगती हैं, सोती नहीं है, बस कहीं इधर भजन करेंगी, कहीं उधर नाचने लगेंगी लेटे लेटे, तो इनका कुछ समझ में नहीं आता है, ये ऐसे ही करती रहती हैं। तो अब बनेगी फाइनली नानी के लिए चाय, और ब्रेड गर्म होगी, तब तक मम्मी गई हैं नहाने, फिर उसके बाद वो उनका काम होगा, और फिर मैं भी जाऊँगा नहाने। हैं अभी बताया फाइनली उनके अभी कपड़े ही धुलने हैं, अभी कपड़े नहीं धुल पाए, तो अभी वो कपड़े धुलने जा रही हैं, नहाएंगी फिर उसके बाद दोस्तों मैं भी जाऊंगा नहाने, और फिर रेडी होऊंगा, और रेडी होने के बाद दोस्तों। हेलो फाइनली, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नहा धो के हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी, और क्या कहते हैं, और ये अभी क्या कहते हैं, ये बैठी हुई देखो बगल में मेरी नानी है,
ये देखो नानी बैठी हुई, ये देखो, देख रहे हैं आप, इन्होंने अभी चाय और ब्रेड खाई है और मम्मी ने भी खाई है चाय और ब्रेड, दोबारा दोबारा सब लोग चाय पी रहे थे ना इसीलिए। और मैं भी अब जा रहा हूँ, ये देखिए आ गया कमरे के अंदर, और मैं भी जा रहा हूँ चाय पीने। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे ब्रेड रखी हुई है, और मैं ब्रेड, और मेरी ये रखी हुई है चाय। तो देख रहे हैं दोस्तों, आइए देखिए दोपहर के 12 बजे हम लोग चाय पी रहे हैं, क्या करें, लेट इतना हो गए थे कि आप बता ही नहीं सकते हैं आपको। और आइए दोस्तों, आइए आप लोग ये लीजिए ब्रेड खाइए आके, और बताइए कमेंट में कैसा लगा आप लोगों को। चलिए फिर चाय पी लेते हैं। जैसा कि फाइनली देख रहे हैं मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ बाबा का सामान लेने, और जा रहा हूँ रोड पे दुकान पे सामान लेने जा रहा हूँ, और चल चुका हूँ। फिर आज बाबा ने सामान मंगाया तो फिर आज जा रहे हैं बाबा का सामान लेने, और गई है देखो बगल में खड़ी मम्मी, चल नहीं मिली तो फिर अब धीरे धीरे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, दिखा पहुँचते हैं रोड पे तो दिखाते हैं दोस्तों आपको, ठीक है ओके बाय। फाइनली जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि फाइनली देख रहे हैं वो सामान लेके आ गए, मगर वहाँ की ब्लॉग बना नहीं पाया था क्योंकि वहाँ रस ज़्यादा था, भीड़ भाड़ ज़्यादा थी और लोग ज़्यादा ही वो कर रहे थे, हल्ला ज़्यादा बच रहा था, शोर ज़्यादा था। और मैं लाई हूँ काजू किशमिश छुहारे, ये तो पीछे से कुछ भी बताती रहती, मैं लाई हूँ काजू किशमिश बतासे, और हम लोग आ गए हैं गार्डनिया के पास। ये देखिए ये गार्डनिया के पीछे वाला गेट है, ये बड़ा सा सहजन, सहजन सहजन थोड़ी दिखाएंगे। तो अब घर की तरफ जा रहे हैं अब हम लोग। सो फाइनली गाइस आप देख रहे हैं रात को बज गए, रात के बज गए 9:30, और पूरा दिन मेरा घर पे बीता, और मम्मी के साथ मैंने वीडियो बनाए, मैंने भी वीडियो बनाए शॉर्ट वाले, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए मम्मी बैठे हैं, पापा बैठे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, और इधर हमारी नानी जी लेटी हुई हैं। जोर जोर से बोलो, और मुंह बना के बोले क्या ऐसे, हेलो गाइस सॉरी सॉरी, वो मम्मी कह रही थी ना जोर से बोलो इसीलिए, मोटरसाइकिल वो चला, मैं ये कह रही थी कि जोर जोर से बोलो, तो मुंह बना के बोलने के लिए थोड़ी बना बोला था, जैसे बोला वैसे बोलो। अभी देखो कैसे वो तकरार कर रहा था, नहीं किसी का वीडियो देखा था ना उसमें वो कर रहा था इसीलिए उसकी याद आ गई, इसीलिए उसकी स्टाइल कर रहा था। तो किसी की वीडियो देख के नहीं अपना खुद बनाओ, ये तो बताती रहती है। तो फाइनली गाइस खाना बन चुका है, खाना खाने हम लोग जा रहे हैं, आइए आइए आप लोग भी खाना, ये देखिए खाना बन चुका है मेरा, कभी कभी भगोने में बन जाती लेकिन लोहे की कढ़ाई में हमेशा बनती है सब्जी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाने से आयरन बढ़ता है, लेकिन अब कुछ लोहा बढ़ता है आयरन माने लोहा, आयरन मिलता है शरीर को, आयरन मिलता है। और इधर पापा देखो सब्जी डाल रहे हैं कटोरे में, कढ़ाई से खाली करने का काम पापा का है, पापा का है पापा जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्यों पापा जी आप ढलाई कितने बजे तक हुई बताओ? 6 बजे तक इनकी ढलाई हुई। तो देखा फाइनली आपने, जब से हमने बताया था कि आज पापा काम कराने गए थे और पापा की आज डराई थी, तो आज शाम को आए, वो बता रहे हैं वो आज भूखे रह गए दिन भर, बताओ दिन भर भूखे रहे, 2 समोसे सिर्फ खाने को मिले और कुछ नहीं, और अब 9 बजे खाना खाने जा रहे हैं, और मम्मी जा रही है 9 बजे खाना, 9:30 बज रहा है, तो हम लोग बैठे हुए हैं बस, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो आइए आप लोग भी खाना खाइए गाइस, और आज बनी है आलू की सब्जी रसेदार, आलू मटर की, की। बताइए हमको तो मालूम ही नहीं था, मम्मी ने बनाई, और नानी लेटी है मुंह चला रही है अभी भी, उनकी आदत है मुंह चला नहीं, जैसा पहले वीडियो में हमने आपको बताया भी था रोटियां बनना चालू हो गई हैं, ये देखिए मम्मी की रोटियां, हमारे घर में पापा सांड बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते हैं, बोलो बता तो दिया है दोस्तों को, अब क्या बताओ कि 3 लोग रहते हैं, अभी तो 4 लोग हैं ना, नानी भी तो है नानी अभी चली जाएंगी तुम्हारे बोल लो ओ पापा कह रहे तो नहीं बोल लो, पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं दोस्तों
कुछ भी बोलते रहते हैं। रसगुल्ले खाने हो तो रसगुल्ले के तो खा ले बात। रसगुल्ले खत्म हो गए, रसगुल्ले तो सबसे ज्यादा मैंने ही खाए। रसगुल्ले में रसगुल्ले बने आटा के, बने आटा के क्या बना, तो उसमें गरी पड़ी हुई थी मगर ठीक लग रहे थे थोड़े, मगर ज्यादा अच्छे नहीं थे। मगर छोला एक नंबर था, जैसे कि कल मम्मी हम लोग मम्मी गए हुए थे ना कथा में गए हुए थे, वहीं से खाना मामी ने बांधा हुआ था मामा के ससुराल से, तो इसीलिए तो आप सुबह भी छोला खाया, तो छोला अच्छा था, नमक कम था बस थोड़ा दोस्तों। छोला बहुत बढ़िया था, मम्मी ने बहुत तारीफ की छोले की। चावल मगर कच्चा रह गया बताइए। चावल आधा पक पाया, मामा के जो थे ससुर तो उन्होंने चावल बनाया छोला बनाया, तो चावल कच्चे ही रह गया बताइए। नानी लेटी हुई है, ये देखिए और नानी शांत लेटी है। नानी सोच रही है हमको रोटी कब मिलेगी, तो इनको फाइनली अभी रोटी मिलेगी 9:30 बजे तक। हम लोग पापा पहले खाना नहीं कर रहे हैं, ये मम्मी कुछ भी बोलती रहती हैं, बस आप लोग का प्यार है ऐसे ही बना रहे। और नानी सोच रहे, देखो नानी मुंह छुपा रही हैं, देख रहे हैं दोस्तों आप लोग। इधर देखिए पापा खाना चालू हो चुका है, उधर मम्मी देखो बेल रही हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं, मेहनत कर रहे हैं रोटी बनाने में भी और वीडियो बनाने में। दोनों माँ बेटे मिलके वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। मिलेगा मिलेगा, ये दोस्त सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। अपने आईडी का नाम बता दो। मेरी आईडी का नाम है सुमित्रा देवी ब्लॉग्स। तो देखा आपने, आप लोग उस पे जाके सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, तो इनके चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को सुमित्रा देवी ब्लॉग्स। फिर से आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो देखा आपने सब लोग का खाना चालू हो गया, हम मम्मी नानी जो है ना वो अभी बाद में खाना खाएंगे, पापा पहले खाना खा लेते हैं, हम लोग बाद में खाना खाते हैं। पापा को सब्जी अच्छी नहीं लग रही है तो घी डाल के खा रहे हैं। सही बात है, हम लोग कहाँ घी खाते हैं, पापा ही घी खाते हैं। पापा के लिए घी आया था, बुआ ने भेजा हुआ था, मैं बुआ के यहाँ गया था अभी, तो वहाँ से लेके आया था एक डब्बा घी, तो जो कि फूफा ने भेजा था पापा के लिए। फूफा ने कहा था पापा के लिए तोहफा है बहुत बड़ा, उनके इतना बड़ा तोहफा है, तो उन्होंने कहा तो बात करते हैं उनके तबीयत ना। आज वैसे फूफा को फोन भी किया था और अभी फूफा ने फोन भी किया था हमें, तो हम उठा नहीं पाए थे, है ना मम्मी। फूफा ने फोन किया था हमारे में, हम उठा ही नहीं पाए थे, लगा हुआ था चार्जिंग पे, तो इसलिए उठा ही नहीं पाए। चलिए दोस्तों अभी कॉल कर लेंगे, बुआ से बात करेंगे जरूर, क्योंकि हम मम्मी तो कर चुकी थी, हमने किया नहीं, तो बुआ से अपनी जरूर बात करूंगा, क्योंकि हमारी बुआ बहुत प्यारी हैं। और मैं जाने वाला हूँ शादी में। हाँ मगर मम्मी नहीं जा रही हैं, मम्मी बीच में बोल रही हैं टपर टपर, मगर वो जा नहीं रहे दोस्तों वीडियो के मारे। ओ, मैं जा रहा हूँ, कारड आ चुका है, 10 फरवरी की शादी है, तो हम लोग यहाँ 9 से 9 को निकल जाएंगे, 9 तारीख को। नानी भी जा रही है मेरी, नानी देख रहे हैं, ये मेरी नानी भी जा रही हैं, ये भी लेटी हुई हैं, इनकी एक आँखी बनी है, जैसा कि हमने वीडियो में बताया था आपको पहले भी दोस्तों। तो अब इनको दिखने लगा है, तो अब ये कह रही हैं हम अब ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से, तो ये भी 9 तारीख को हम लोग के साथ ही निकलेंगी। और हमारे नाती को आगे बढ़ाने का कोशिश करिए। वाह वेरी गुड दाद, नानी नानी बहुत अच्छी है हमारी, नहीं दादी भी बहुत अच्छी है। दादी के यहाँ तो गए थे कल, कब गए थे ना दीपक, कितने दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए ना, मिक्सी में वो तो, डाला अब वो ठीक से बैठा ही नहीं, तो अब हो गया गाइस, तो बच चुका है ज्यादा टाइम, तो अब चल रहे गाइस दोस्तों। अब इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, जा रहा हूँ मैं खाना खाने, खाना खा के भी सोऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, तो गुड नाइट दोस्तों।